Apanın yanımda और इलाहा परमप्रम और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी हिंदी में संस्कृत में कहेंगे यहां न पाको बात कुजरा को वेद पुराण सुनत मत बाको प्रशस्त संग्रम हुई तह के बाद न पावे कोई देशर प्रज्ञ दास होई सुतल भूमिगत सुनो गदरई असल छत संग्रम सचारी तिल कर भन सुए भुवारी संतरी क्रम के दोंगा महान को प्रस्थ पतंगा राजनीत भूपरे दिखावे अपर मकसद का समझावे राजनीत भूपरे दिखावे अपर मकसद का समझावे निगम कदम सुई तेज अपारा अपनी हवा अनमत मजारा तब हुई लंग लंग अवतारा मेहंदी कहे सुकल संसारा तब हुई जन्नत बैतारी शब्द नाम हुए भरतारी कदल से भाजा कदल से भाजा भाजन सत गोई अपना मोहम्मद पार ना हो मानो जब मेरे नबी की तारीफ एक पंडित कर रहा हो तो कितना खुश होना चाहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से अपने मां-बाप को बख्शवाने के लिए से दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह या अल्लाह जब तक मैं हाथ न गिराऊं को न गिराऊं या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा आमीन मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको हज की दौलत नसीब फरमा जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या गौस अल मदद जोर से या गौस अल मदद मेरे नबी की तारीफ पंडित पे पंडित के बाद और क्यों ना कुछ लोग कहते नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती ही वो मसूर की तरह नबी हमारी तरह अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद टुकड़ा में बढ़ जाए आपने वाक्य सुना कि नहीं अब तू उंगली का इशारा कर दे बीबी भाग जाए जरा बीबी को जरा उंगली दिखाओ ए लल्लू की माँ नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए हम लोग बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए कोई पीने के लिए तैयार नहीं होगा नबी को कभी मच्छर नहीं काटा मच्छर रोज इंजेक्शन देता नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी हमारी इस पर मक्खी पूरा काम करती कहते नबी हमारी तरह कहता है बहुत हदीस जानते हदीस और कुरान के अलावा किसी को नहीं मानते उसको हदीस मालूम ही नहीं अल्लाह के नबी फरमाते या अबू बकर लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता ए सुन ली जाए ईमानदारी से बताओ अबू बकर नबी की हकीकत को नहीं समझ सका मेरे आका हजरत उमर नबी की हकीकत को न समझ सके उस्मान अली नबी की हकीकत को न समझ सके हजरत मौला अली नबी की हकीकत को न समझ सके सहाबी नबी की हकीकत को न समझ सके तबाई नबी की हकीकत को न समझ सके तबे तबाई नबी की हकीकत को न समझ सके तो और यह इतना नबी की हकीकत को जब नहीं समझ सके तो हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है हमें तो बड़ी नीचे दास्ता सुन्नियों का इमाम इमाम इश्क मोहब्बत मचाती दे दी रविल्ला 14 सदी का इमाम इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी ने बड़ी नीचे टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अब सुन्नियों का अकीदा दे दिया सरवर कहूं के मालिक को माला कहूं तुझे पाके खलील का गुले से पा कहूं तुझे लेकिन रसा ने खत्मे सुखर इस पे कर दिया जोर से बोल दे मसलक के आला हजरत जिंदाबाद टना टन सुन्नी आला हजरत के नाम पे इतना कमजोर हमें तो ईमान की हिफाजत बरेली के अहमद रजा ने किया इतना इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत पूरा मसला
इश्क मोहब्बत बस्ती करिया माशाल्लाह अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए आमीन। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, जहन करीब कीजिए, सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, उसके बाद अंतर मंत्र जंत्र। चूंकि हमारे कारी तहजीब और कमेटी के लोगों की फरमाइश है, हजरत मंत्र भी पढ़ना, नहीं तो लोग